आज सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और अनशन की तरफ जो है सचिन पायलट आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा होगा कि सचिन पायलट अपने अनशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सचिन पायलट जो है आज पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि कार्यकर्ताओं के साथ 10 बजे से ही जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने बैठने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो है अभी सचिन पायलट धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नागरिक भी जो है मौजूद है और वहां पर आपको बता दें कि आम समर्थकों के साथ ही रहेंगे सीएम, वो विधायकों के साथ भी रहेंगे और मंत्रियों के साथ भी, साथ ही साथ आम समर्थकों के साथ रहेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जो कि सचिन पायलट धरना स्थल पर, आपको बता दें अनशन के स्थल पर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही आज जो है धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे और ये धरना जो है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट धरना अनशन पर स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि वहां पर सीएम सचिन पायलट पहुंच चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंच चुके हैं और साथ ही उनके आम समर्थक भी साथ हैं और साथ ही साथ विधायक भी और मंत्री भी समर्थक भी साथ हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी बताया था, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने को मुद्दा बनाकर अनशन की घोषणा की थी सचिन पायलट ने। और आज और अभी जो सीधी तस्वीरें जो आप तक साझा कर रहे हैं वो आपको बता दें कि सीएम गहलोत की मांग को लेकर जो है आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो है अनशन स्थल पर पहुंच चुके हैं।